जय हिंद वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों, आज के मैथ के सेशन में हम लोग देखेंगे सेलेक्टेड प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे, और सारे प्लस सेलेक्टेड हैं। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और सभी लोग जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ेंगे, सभी का गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो आपके दोस्त अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तुरंत आकर जुड़ जाए, क्योंकि आपकी जो क्लास है अब शुरू होने वाली है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को बताना है, सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आप क्लास छोड़ कर मन जाइए, अगर आपको बनाने नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, क्लास छोड़ कर जाने से कोई निर्णय नहीं निकलेगा। हम आपको सिखाएंगे मैथ आखिर बनेगा कैसे, छोड़ कर भागने से कोई निर्णय नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 नंबर है, अगर ये बना दिया तो 10 नंबर आ गया, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, समझाते हैं प्रश्न क्या कर रहे हैं। प्रश्न यही कर रहा है कि एक जो व्यक्ति है 250 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित गति से तय करता है, किस गति से तय करता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर प्रश्न में यही कहा है कि यदि उसकी गति 20% कम कर दी जाती है तो वह उसी दूरी को 1.14 घंटा अधिक समय लेता है तय करने में। तो आपसे शुरू की गति पूछा है, क्या पूछा है भाई, तो शुरू के, तो जो भी न दिया हो उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो हम मान लेते हैं शुरू की गति क्या मान लिए, शुरू की गति एक्स मान लिए। उसके बाद नई गति, नई गति जो क्या है आपकी, नई जो गति है ना, शुरू की गति जो है ना, इससे कितना परसेंट, कितना परसेंट, 20%। तो 100 और माइनस 20 और बटा 100, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स गुना 80 और बटा 100, 0 से 0 ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा। ये होगी आपकी नई गति और ये हो गई पुरानी गति। प्रश्न जिस तरह का उस तरह बना दीजिए। अब टोटल दूरी कितना है, 250 है, इस दूरी को किस गति से तय कर रहा है, तो 4x/5 की गति से। और जो टोटल दूरी है 250, इस गति को पहले किस गति से, तो x की गति से। अब समय कितना अधिक लग रहा है, तो इतना, तो 4×4=5/4। इसका ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर, और दोनों में 250 है तो डायरेक्ट हम 250 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर और नीचे 4x माइनस ऊपर x और ये बराबर 5/4। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4x इससे भाग देंगे, खाली में जाएगा 5, इससे भाग देंगे, x कट गया, 4 बचा और ये 5/4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 250 गुना 5 में से 4 गया तो क्या बचा, 1/4x अब बराबर 5/4। तो 4 से 4 नीचे से नीचे कट जाएगा, बराबर में नीचे से नीचे कटता है, ऐसे काट दो, 5 25 50 बार में, तो ऊपर क्या बच गया, 50/x और इधर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x/50। यानी कि शुरू की गति हमको मालूम करना था, और शुरू की गति एक सम्मान्य थे x किलोमीटर प्रति आवर, तो इसकी गति क्या निकल गई, x का मान कितना निकल गया, 50। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया मेरे भाई। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ तैयार हो जाइए बनाने के लिए, क्योंकि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न को देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न यही कह रहा है कि एक राशि जो है 14% ब्याज की दर से 3.14 वर्षों का ब्याज 37 से 31 रुपया होता है। उसके बाद प्रश्न में ये कह रहा है कि पहले से आधी दर पर इतना वर्ष में उसी राशि का कितना मिश्रधन होगा, आपसे मिश्रधन पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मूलधन निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या ब्याज दिया है, दर दिया, समय दिया, तो हमको क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है आपको पता है, मूलधन का ब्याज गुणे, ब्याज गुणे क्या हो जाता है, 100, यानी कि 37 31 गुना क्या हो जाएगा, 100 बटा दर गुणे समय, तो 14 × 34 = 12 1 13/4। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हम लेकर चले जा रहे हैं, 4 को ऊपर हम लेकर चले जा रहे हैं, ठीक। अब दोस्तों इससे काटिए कितना बार में कटेगा, थोड़ा काटिए तो 13 से कितना हाली में कट जाएगा बोलिए, 287 बार में कट जाएगा 13 से,
कट जाएगा, 13 दूनी 26 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए इससे हम काटेंगे 2 से तो कितना होगा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो 7, और इस 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 एकम 1, यानी कि ऊपर आपका क्या बच गया 41 दूनी 82, यानी कि कितना गया मूलधन 8200 रुपया। हमने कैसे किया आपको बता देते, देखिए 13 से इसको हम काटे 37 31 को 287 बार में, उसके बाद हमने 2 से 4 को काटा 2 बार में और 14 को 7 बार में, और 7 से इसको हम काटे 287 को 41 बार में, 41 × 2 यानी कि 8200 रुपया क्या आ गया आपका, आ गया इसका मूलधन। अब हमको करना है कि हमको मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालने के लिए यहाँ पर कह क्या रहा है कि पहले जो आधी दर है ना, यानी कि पहले जो दर है, दर पहले कितना था 14, इसका कह रहा है आधा करने के लिए, यानी कि दर का मान कितना कह रहा है 7% कह रहा है करने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि समय जो है ना, इतना समय इतना वर्षों में, इतना वर्षों में तो 5 × 10 = 11/2, इतना वर्षों में कितना हो जाएगा, इतना वर्ष में आपसे यही पूछा है कि इतना वर्षों में उसी राशि का मिश्रधन आपको बताना है। तो हमको पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। हमको क्या है, ब्याज निकालने के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज इसी राशि का कह रहा है, इस दर जो दिया पहले उस दर का आधा और इतना समय में कितना होगा आपको निकालना है ब्याज, और उसके बाद कह रहा है कि मिश्रधन बताने के लिए कह रहा है। तो आप ब्याज पहले निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8200 अगुना मूलधन गुने क्या होता है दर अगुने समय अब बटा क्या होता है 100, तो 2 जीरो से जो जीरो कट जाएगा इससे काटेंगे तो 41 दूनी 82, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 7 एकम 7 7 चौक 28 अगुना 11 से, इसको 11 से गुना कीजिए तो जरा 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 31 57 ग्यारह से गुना कर देख लीजिए 31 57 आ रहा है। अब दोस्तों 31 इसको गुना कीजिएगा तो 31 57, और आपसे मिश्रधन पूछा है तो पहले का मूलधन इतना है और इसका कितना आ गया, इतना आ गया आपका ठीक ब्याज इतना आ गया और मूलधन ये, तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन वही होता है मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8200 प्लस 31 57, इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 2 1 3 8 2 10 11, यानी कि आपका इतना रुपया हो जाएगा आपका ऑप्शन में दे रहा है। देखिए तो 11357 रुपया आपका ऑप्शन में दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्वेश्चन समझ में आया, तो चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न को आपको सभी को राइट आंसर बताना, देखते हैं किसका पहले आता है, सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है, इस प्रश्न को आपको आंसर बताना है। अगर नहीं बनाना रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, और मैं आपको सिखा दूंगा इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना, सबसे पहली बात क्या होता है क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो पहले चले कि क्वेश्चन समझल जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन यह कहता है कि उस सबसे छोटी संख्या के योग बताई कि जिसे 21 28 30 35 से भाग देला पर 10 शेष बच जाओ और 17 से डिवाइड कर लेला पर उस संख्या पूरा कट जाओ। क्वेश्चन यह कह रहा है कि मान लीजिए एगो संख्या है, उस संख्या को अगर हम 21 28 30 35 से भाग दे रहे हैं तो उस संख्या भाग देने पर शेष 10 आ रहा है, लेकिन उसी संख्या को हम 17 से भाग दे रहे हैं तो उस संख्या पूरा कट जा रहा है। तो यही कहा है कि उस संख्या के योग बताइए, मान लीजिए कि वही संख्या मान लीजिए अगर ये है तो यही पूछा, मान लीजिए वो संख्या ये है तो इस संख्या के योग के मतलब है जोड़ के अपने के योग बताएगा, भाई ये पूछा था और कुछ नहीं क्या पूछा क्वेश्चन में। सब लोग ध्यान दी है ना क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस जौन संख्या ही दलबे कर एलसीएम निकाल ले, तो 21 28 30 35 एलसीएम निकालन तो क्या हो जाए 2 से पहले दे देता नहीं 21 14 दून 28 15 दून 30 और 35 3 से दें तो 17 21 7 दून 14 3 5 15 7 5 35 अभी 7 से जाए तो 1 2 5 1 अब एक और गुना कर लें तो गुना करें तो कितना हो जाए 3 दूनी 6 6 6 6 दूनी 12 12 5 60 60 में कितना से कर दें 7 से तो 7 6 42 कितना आ गया ले सी एम 420। अब समझ लो जन 420 साइल ई का हो इन सबसे डिवाइड हो जाए, लेकिन हमको शेष 10 लाना है तो इसमें हम 10 जोड़ लेंगे, 420 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 430।
अब दोस्तों ये 430 जो संख्या हमारा आया है ना, इन सभी से भाग दीजिएगा तो शेष 10 आ जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन कह रहा है कि एक 17 से थोड़ा भाग देकर देखिए, अगर कटता तो ये संख्या बा आ नहीं कटत तो संख्या नहीं खे, एक के आगे और खोजे के पड़ी। तो इस संख्या का अगर हम 17 से भाग दें तो 17 34 17 34 तो 34 6 40 34 6 40 6 3 9 9 हो गए आ 90 होता तो 14 17 90 कटी ना कटी, तो ये ना कटी संख्या नहीं खे। अब दोस्तों फिर हम अगले संख्या पर चलेंगे, तो हमारा ये संख्या है 420, तो 420 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 840। आई एम एस से जोड़ेम 10, आई 840 जो संख्या बाई तो कट जाए सबसे, लेकिन हमारा क्या मांगा है 10 शेषो तो आएगा चाहिए, तो इसमें 10 जोड़ेम तो क्या होगा 850 आएगा। लेकिन कंडीशन ये कहते कि करे अब 17 से भाग देकर देखो कटत कि ना, तनिक भाग देकर देखो तो हम लो भाई भाग देकर देखो तनिक 17 5 50 कट गई, तो हमारा संख्या मिल गया कौन सा संख्या है तो 850 है। अब ये संख्या जोन भाई करे के योग पूछ ले बा, ठीक बा, तो 8 5 13 यानी कि योग कितना आ जाए 8 5 13, इसका राइट आंसर 13 होगा। ठीक है मेरे भाई, सभी को समझ में आया, सभी को आसानी से समझ में आया, और भी आसान तरीका से बताऊंगा, बस धीरे धीरे आप लोग चलिए मेरे साथ, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है क्लास, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, और इस प्रश्न का देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है, सभी लोग जल्दी कमेंट करेंगे जल्दी। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन समझ में नहीं रहे कोई बात नहीं, मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 84% है, उसके बाद फिर कह रहे यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो पहले के हानि के मुकाबले बाद में जो हानि हुआ है उसका प्रतिशत निकालने के लिए आपसे कहा है। तो दोस्तों पहला हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, पहला क्रय मूल्य निकालेंगे, पहला क्रय मूल्य, तो पहला हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100 रुपया मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा इसका 84% कह रहा है, तो यानी कि 84% यानी कि 84 रुपया हो जाएगा सीधे, 100 का 84% विक्रय मूल्य है तो यानी कि क्या हो जाएगा 84 रुपया सीधा हो जाएगा। अब दोस्तों नया जो है ना आपका क्रय मूल्य क्या करे 20% की वृद्धि किया जाता है, तो नया क्रय मूल्य में कितना परसेंट के 20% के, तो क्रय मूल्य पहले से 100 रुपया है और इसमें कितना परसेंट के 20 यानी कि 100 + 20 / 100 यही ना होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 × 120 / 100 0 से 0 = 0 से 0 12 × 120 रुपया हो गया। हम डायरेक्ट 120 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझाने के लिए हम किए हैं। अब विक्रय मूल्य में क्या कह रहे हैं, जो पहले का विक्रय मूल्य है ना 84 रुपया, इसमें कह रहा है कि 25% के वृद्धि कह दो, तो हम लो भाई 25% के कह दें वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा 84 × 125 / 100 तो 25 × 125 = 100 इससे काटेंगे तो 4 × 2 = 8 21 × 5 = 105 रुपया हो गया, कितना हो गया 105 रुपया। अब कहा है कि पहला जो हानि हुआ है जो बाद में हानि हुआ इसका आपका अंतर का प्रतिशत निकालने के लिए बोला है, वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है यही बताना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 रुपया के सामान 84 रुपये में बेचिएगा तो लाभ होगा हानियन होगा, तो कितना का हानि हुआ 16 रुपये का हानि हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 120 रुपया इसका दाम है नया वाला का, अब बेचा कितना में 105 रुपया में, तो कितना का हानि हुआ 15 रुपया का हानि हुआ, कितना का हानि हुआ 15 रुपया का, अब कितना का एथी नुकसान हो रहा है 1 रुपया का, कमी कितना का हो रहा है पहले के हानि के मुकाबले बाद में जो हानि हो रहा है उसके मुकाबले कितना हो रहा है 1 का, तो 1 हो जाएगा कमी होगा 1 का कमी हो रहा है। पूछा है आपसे कि पहले हानि के मुकाबले हानि में कितना प्रतिशत की है, तो हानि कितना हुआ 1 रुपया, पहला हानि है 16 रुपया, कमी होगा आपकी कितना हो जाएगा गुना 100 प्रतिशत के लिए 100, तो इससे काटेंगे तो कितना से काट दे 4 से काट दे 4 × 16 / 25 × 100 कितना गया 25/4, तो ये हो जाएगा कितना 4 से भाग दें तो 4 × 6 = 24.10 आएगा, 4 × 2 = 8 यानी कि इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये समझ में आया सभी को, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का सभी को राइट आंसर बताना, देखते हैं किसका सही होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न यही कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उसमें अगर प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाता है तो नए अनुपात 12:5
क्या हो जाता है 23 हो जाता है। अगर कह रहे छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में 7 घटाया जाए तो नया अनुपात आपसे यही पूछा है। तो दोस्तों नया अनुपात यानी कि आपके ये पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। तो ये देखिए 3x और ये 5x, इसमें कितना घटा निकल कर रहा है, दोनों में से 9 घटाने के लिए कितना संख्या हो जा रहा है 12/23 हो जाएगा। इससे गुना करेंगे तो 23 3 के 9 और 3 2 6 23 में 3 से करेंगे तो क्या होगा 69x माइनस, इससे करेंगे तो 29 27 के साथ 9 2 18 207, इससे करेंगे तो 12 5 60x और 12 9 108। ये x को इधर लाओगे तो ये 69 माइनस क्या हो जाएगा 60x और ये इधर जाएगा तो प्लस होगा और ये 108, ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9x और ये घटाओगे तो कितना आएगा 99, इससे काटेंगे तो 11, x का मान क्या आ गया आपका 11। अब दोस्तों 11 आ गया तो हम संख्या को पता कर लेंगे, पहली संख्या हमारा 3x है तो 3 गुना क्या हो जाएगा 11, तो 11 3 33 पहली संख्या, ये 5x है तो 5 गुना 11 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, आपका संख्या क्या हो जाएगा 55 हो गया। अब संख्या कह रहा है कि पहली संख्या में क्या कह रहा है 3 जोड़ने के लिए, तो लो हम भाई 3 जोड़ दिए और दूसरे में क्या कह रहा है आपको 7 घटाने के लिए, 7 घटा तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो 48। तो अब दोस्तों 6 से कटेंगे तो 8 5 8 6 48 और 6 1 36, फिर ये कटेगा 2 से कटेगा 3 और ये 2 से कटेगा 4, यानी कि 3 अनुपात क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 अनुपात 4। सभी को समझ में आए मेरे भाई, सभी को क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग बनाएंगे। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न यही कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 56 है, 8 संख्याओं का औसत 54.4 है और 8 अंतिम संख्याओं का औसत 56.4 है, तो 8वीं संख्या छोड़कर बाकी संख्याओं का आपसे औसत पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 8वीं संख्या निकालेंगे, कौन सी संख्या, तो 8वीं संख्या। तो 8वीं संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहली जो 8 संख्याओं का औसत है उससे पहले आप संख्या निकाल लीजिए, तो 54.4 × 8 प्लस और अंतिम 8 संख्याओं का जो औसत है उससे आप संख्या निकाल लीजिए, ठीक, और माइनस जो 15 संख्याओं का औसत है उसकी संख्या निकाल लीजिए और घटा लीजिए, तो इसको गुना कीजिए 8 4 32 2 3 हुआ हाथ में, 8 4 32 3 35 3 8 45 3 43 प्लस 8 4 32 2 8 3 8 6 48 49 50 51 हाथ में लगा 5 8 5 40 8 5 40 5 45 और ये हो जाएगा 15 6 90 9 और 15 5 75 और 80 4 84। इसको जोड़िए 2 2 4 5 1 6 5 3 8 4 4 8 माइनस 840। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0.4, ये 6 में से 0 जाएगा तो 6, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी कि 46.4 आठवीं संख्या हमारा निकल कर आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि 8वीं संख्या का छोड़ कर बाकी संख्याओं का औसत पूछा है, तो 8वीं संख्या का छोड़ दीजिए, बाकी संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, तो बाकी संख्याओं का औसत यानी कि बाकी टोटल संख्या कितना है 15 × 56 ये है टोटल संख्या, तो टोटल संख्या और माइनस कितना घटा लेंगे 86.4 और इसका कितना टोटल संख्या कितना था 15 15 में से 8वीं संख्या निकल गया तो 14 की संख्या बचा तो 14 से भाग देंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों 15 × 56 को हम यहाँ पर गुना किए तो 840 आया, यानी कि 15 संख्याओं का औसत यानी कि संख्या कितना निकाला था 840 और इसमें सम 8वीं संख्या घटा देंगे, 15 संख्याओं का औसत को गुना किया था तो संख्या निकला था 15 संख्या टोटल 840 है, उसमें से 8वीं संख्या घटा दीजिए और 14 से भाग दे दीजिए, क्योंकि टोटल 15 संख्या था, 15 में से क्या निकल गया आपका, क्या निकल गया एक संख्या 8वीं निकल गया तो 14 बच गया। अब इसको घटा कर दीजिए, तो यहाँ देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 10 10 में से 4 जाएगा 6 पॉइंट,
यहाँ क्या बचेगा, नौ, नौ में से छ हो गया तीन, और यहाँ क्या बचा, तीन, यहाँ क्या बचा, तीन, तीन में से चार नहीं गए तो हर सिंह ने तेरह, तेरह में से नौ गया, चार गया तो नौ, और यहाँ पे सात, और बटा चौदह। इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करके बताइए तो जरा कितना आ रहा है इसका, कमेंट जल्दी से करेंगे सभी लोग, कितना आ जाएगा, छप्पन अड़सठ, डिवाइड करने पर छप्पन अड़सठ आएगा इसका राइट आंसर, सभी बताएंगे इतना आ रहा है सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न को आपको सभी को राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सही आंसर उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक वह छोटी सी संख्या है जिसको 10, 12, 14, 16 से भाग देने पर 2, 4, 6, 8 शेष आता है। तो इसी संख्या को अगर हम 17 से भाग देते हैं तो वह पूरा पूरा कट जाता है। तो x में वही संख्या में 52 से भाग देंगे तो कितना आपका भागफल आएगा, यही आपसे पूछा है, और इसी का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, जो संख्या दिया रहा है ना उस संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए, 10, 12, 14, 16 एलसीएम निकालिएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 2 से 5, 3, 7, 4 ये हो गया आपका। अब इसका गुना कीजिएगा तो 2 दुनी का 4, 4 हो गया, 4 5 20, चलिए 20 60, 60 हो गया, और 60 में 4 से तो 6 4 24, 240 हुआ, और 240 में 7 से करेंगे तो 0 7 4 28 8 हमें 2 7 14 2 16, यानी कि 1680 आ गया। और ये 1680 जो संख्या है ना, ये संख्या क्या है, 10, 12, 14, 16 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन कह रहा है कि इससे भाग देने पे इतना शेष आना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम काम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेष पर बच रहा है उसका अंतर निकाल लेंगे, देख लेंगे। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, यानी कि शेषफल का अंतर कितना आ रहा है, 8। तो अब दोस्तों इसमें से हम क्या करेंगे, 8 घटाकर 17 से भाग देकर देख लेंगे भाग लग रहा है कि नहीं। तो इसमें से 8 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 2, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये, और इसको अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि ये मेरा संख्या नहीं होगा। अब अगला संख्या हम देखेंगे, यानी कि 1680 को आगे के बढ़ कर देखेंगे, तो 2 से गुना करके देखेंगे तो 0, 8 दुनी 16 के 6, हाथ में 1, और 6 दिन 12 1 3, हाथ में 1 2 1 3, ये संख्या होगा 33 60, जो कि 10, 12, 14, 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमको शेष लाने के लिए 8 घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3, और ये 3। इसको भी आप 17 से डिवाइड करके देखेंगे, ये भी भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये भी आपका भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो हमारा वो संख्या नहीं मिलेगा। तब इसको हम आगे फिर देखेंगे, अब अगला संख्या देखेंगे 1680 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 0 8 24 के 4, हाथ में 2, और 36 18 2 20 के 0, हाथ में 2, और 3 2 5, ये संख्या जो हमारे को मिला 50 40, ये संख्या क्या हमारा, ये आपका जो है 10, 12, 14, 16 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको शेष का लाना है, ये लाना है भाग देने पर। तो इसमें से हम 8 घटाएंगे तो ये यहाँ पर 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 32। अब दोस्तों 50 32 को आपको क्या करना है, इसको आपको भाग देकर देखना, किस से, 17 से भाग देकर देखना ये भाग लग रहा है कि नहीं। अगर ये भाग लग जाएगा तो उसके बाद उसी संख्या में हम 52 से भाग देंगे, तो 17 से भाग दीजिएगा तो कितना हाल में चलेगा, 291 बार में चला जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 291 बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो हमको संख्या मिल गया। अब इसी संख्या को हमको क्या करना है, 52 से भाग देना है, 50 32 को हमको किस से भाग देना है, 52 से। तो इसको अगर भाग देते हैं तो ये क्या आएगा, 96 पॉइंट कुछ आएगा इसका राइट आंसर, 96 पॉइंट कुछ इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका भागफल कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 96 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 96 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से आप बना सकते हैं, सभी को समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है,
देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न को आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न का कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, बाजार मूल्य 10% छूट देने के बाद वह इतना रुपये में बेचता है, तो क्रय मूल्य और बाजार मूल्य का अंतर बताना है। तो दोस्तों, क्रय मूल्य हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं एक्स, क्रय मूल्य एक्स। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, जो क्रय मूल्य है उसका कितना परसेंट कर रहा है, तो 25% अधिक कर रहा है, यानी कि 100 प्लस कितना हो जाएगा, 25/100, ये हो जाएगा कितना, 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो x का 25%, तो x अगुना 125/100, तो 25 × 125 × 25 = 100, यानी कि 5x/4 उसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि बाजार मूल्य 10% छूट देने के बाद इतना रुपये में बेचता है, तो बाजार मूल्य कितना हो जाएगा आपका, बाजार मूल्य कितना परसेंट, इतना रुपये में बेचता है 720, कितना परसेंट 100, 10% का छूट देता है तो -10, तो ये हो जाएगा 720 × 100/90, 0 से 0 9 8 72, तो ये कितना आ गया, 800 रुपया आ गया, ये आपका 800 रुपया आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम तो इसको और इसको बराबर करके निकाल लेंगे, 5x/4 = 800 रुपया, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना हल जाएगा, 5 से काटेगा तो 1 3 बचेगा 5 × 36 16, 160 आ जाएगा, तो x = 16 × 64, यानी कि 640 रुपया हो जाएगा x का मान। अब दोस्तों, क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, क्रय मूल्य 640 रुपया आ गया, और आपका बाजार मूल्य कितना आ गया, 800 रुपया आ गया, बाजार मूल्य 800 रुपया। तो आपसे पूछा क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य और बाजार मूल्य का अंतर, तो 800 माइनस कितना हो जाएगा, 800 − 640 = घटा लीजिए तो 10 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ 7 में से 6 हो गया तो 1, 160 रुपया का अंतर है। कितना का अंतर है, तो 160 रुपया का अंतर हो जाएगा। सभी को समझ में आया, तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है और आपके स्क्रीन पे, इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, देखते हैं किसका सबसे पहले राइट आंसर आता है, सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का आप सभी को राइट आंसर बताना है, देखते हैं सबका पहले किसका आंसर आता है। तो दोस्तों, प्रश्न यही कह रहा है कि 44 सेमी ठोस घन से 2 सेमी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों की संख्या आपको बताना है, कितनी गेंद बनाई जा सकती है। तो हमने आपसे बताया था, जिसके बारे में पूछेगा उसको नीचे आयतन, और जिसका दिया हुआ मान उसका आयतन ऊपर। तो दोस्तों, ये घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, तो 44 का क्यू यानी कि 44 × 44 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे गोलाकार यानी गेंद बनाना है, तो गेंद यानी कि 4/3 इसका आयतन निकालेंगे, 4/3 पाई, पाई का मान क्या होता है, 22/7, और 7 कहाँ लेकर, 7 यहाँ हो गया, और उसके बाद आर क्यू यानी कि आर के मान 2 दिया है। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये 3 और ये 7 ऊपर हम लेकर आ जाएंगे, लेकर ऊपर आ जाएंगे, ठीक। अब दोस्तों, इसको आप काटा दीजिए, अब इसको काटेंगे तो इससे 11 बार में कटेगा, 11 से 22 को काटेंगे तो 2 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, 2 से काटेंगे तो 22, और ये 2 से काटोगे तो 11 हो जाएगा, और इस 2 से काटोगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी कि आपका 11 × 11 × 3 × 7, इसको गुना करेंगे सभी लोग, और इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे कि कितना होगा, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 25 × 41 गेंदों की संख्या हो जाएगा, 25 × 41। तो आपको सभी को समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, जिसका मान नहीं दिया होगा उसका मान का आयतन का नीचे, और जिसका मान दिया होगा उसका आयतन का मान ऊपर, और लगाकर कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का आप सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का आप सभी को राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका भाग गुना और यही दिया है कोष्ठ ब्रैकेट, और ये कुछ नहीं है, आप सभी इसको आसानी से बना सकते हैं, बस आप बनाइए, डर कर भागिए मत क्लास छोड़कर, ठीक है। आप सभी लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न
दिया है जो उसको हम सबसे पहले कोष्ठ वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले काको काटिए तब पीछे भागिए, तो आप पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर हम काक के मतलब क्या हो जाएगा, गुना। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2, और ये डिवाइड है तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर भी दशमलव है तो दशमलव हटेगा तो नीचे 10, आइए दशमलव हटेगा तो नीचे 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 और बटा ये क्या हो जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब इसको हम पलटेंगे या पलटें या क्या करें, काटें, पलटेंगे, यहीं से काट देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहीं से ही कट जाएगा, तो 10 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, ऊपर 10 आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर 10, आप कहिएगा कैसे कर दिया, तो देखिए हम कैसे कर दिए, 2/10 भाग है तो गुणा कीजिएगा, 100 ऊपर जाएगा नीचे 2, ए 0 से 0, आई 2 से 2 कट गया तो ऊपर आई 10 बचा। तो यही बात है, आप शॉर्ट में बनाइएगा, जब भी भाग में होगा तो बराबर में नीचे से नीचे कर दीजिएगा, ऊपर से ऊपर, उसके बाद पलट दीजिएगा, वो आपका मान हो जाएगा। तो हमने हमारा मान कितना निकल कर आ गया, 10 आ गया यहाँ तक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको कोष्ठ वाले को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हटाओगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखो, इसको गुना करोगे तो ये दशमलव हटाओगे 10, दशमलव हटाओगे 10, 2 × 2 तो ये क्या हो जाएगा 8/10 गुना, और ये 2 तो 10 दाएँ के 100 होगा, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, इससे काटेंगे तो क्या होगा 4, तो 10 × 4 = 40 आ गया। तो यहाँ पे आपका 40 और गुना इधर क्या बच गया, 10 बच गया, और ये डिवाइड, ठीक। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, तो 5 × 10 यानी कि क्या आ गया आपका 1/2। अब दोस्तों 1/2 और ये गुना हो जाएगा, 40 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा 40 और गुना 10, इससे काटेंगे तो 10 × 40, तो ये आपका हो गया 1/2 और 1/4 आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 आप गुना क्या हो जाएगा 1/4, गुना करेंगे तो 1/8, और यही आपका आंसर आएगा 1/8। आप सभी को समझ में आ गया, आप देखिएगा कि हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि हम तुरंत सॉल्व कर दें आसानी से। तो हमने यहीं से पकड़ लिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट बाय ब्रैकेट अगर सॉल्व करते आइएगा तब आसानी से कम समय में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 1/8 हो जाएगा, आप सभी को समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में प्यारा से बताइएगा क्लास कैसा लगा आप सभी को, ठीक है। तो डेली ये क्लास आपकी 2:30 में होती है, और क्लास की जो टाइमिंग है आपको मैं बता दूँ, सुबह 7:30 में हिंदी की है, 9:30 में आपकी साइंस की क्लास है, 2:30 में मैथ की, और रात 9 बजे सेट है। तो इन सारे क्लासों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग रात वाले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।